नमस्ते हिंदुस्तान, सभी श्रोताओं को संजू शरण का प्यार भरा नमस्कार। एहसास ही तो है जो इंसान को जीवित रखता है। जीवन के खट्टे मीठे एहसास जब हम एकांत में होते हैं तो मन को गुदगुदा जाता है। मित्रों, मेरे साथ एहसासों के समंदर की गहराइयों में होना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ इसमें डुबकी लगाएं। आज मैं अपनी कहानी श्रृंखला सन्नाटे की गूंज की 9वीं किस्त आप सभी को समर्पित करती हूँ। सच, कॉलेज के दिन भी कितना बेखबर हो और मस्त होता है। काजल, नीलिमा, पापोन, अनन्या सभी मिनी बस पर बैठ जाते हैं और 20 मिनट में कॉलेज प्रांगण में पहुँच जाते हैं। जैसे फिल्मों में बड़े बड़े भव्य कॉलेज कंपाउंड दिखाए जाते हैं, वैसे तो भव्य कॉलेज नहीं थे, पर ज्ञान का मंदिर है जिसमें पढ़कर छात्र जीवन की उच्चतम उपलब्धियों को छूता है। पर इन चारों के लिए तो कॉलेज का पहला दिन किसी रोमांस से कम नहीं था। नीलिमा, चल नोटिस बोर्ड देखते हैं, आज तो फर्स्ट पीरियड मातृभाषा की है। हाँ काजल, ठीक ही कह रही हो, नीलिमा कहती है। और पापुन, आज पहली दिन कौन सी विषय का क्लास है तुम्हारा? तुम तो भाई साइंस वाले हो, नीलिमा हंसते हुए कहती है। नीलिमा, आज प्रथम पीरियड मैथ्स का है। पापुन कहता है, देख खाली पीरियड में हम सब एक साथ लंच करेंगे। काजल कहती है, ठीक है चंडालों, अब मिलते हैं लंच के समय। नीलिमा कहती है और हंसने लगती है। तभी पापुन कहता है, हाँ चंडालनियों की आकाई, नीलिमा जी लंच के समय मिलते हैं। सभी अपने अपने विषय के अनुसार अपने कक्षा में चले जाते हैं और ये भी ध्यान रखते हैं कि सीनियर्स की नज़र उन पर ना पड़े। पर होने को कौन टाल सकता है, कुछ साइंस और आर्ट्स के सीनियर दबंग छात्रों की नज़र इन पर पड़ गई। कॉलेज के कंपाउंड के कोने में एक पेड़ के छांव में ये चारों ने लंच किया और लंच करने के बाद लड़कियां लंच बॉक्स को धोने के लिए चली जाती हैं। तभी कुछ दबंग छात्र और छात्राएं पापों के पास आ जाती हैं। इन बातों से बेखबर पापोन अपने नोट्स को ठीक कर रहा था। उसे ध्यान ही नहीं रहता कि सीनियर उसके करीब हैं। एक लड़का बोलता है, अबे तौर तरीका सीख कर नहीं आया है क्या? जब सीनियर खड़े हो तो बैठना नहीं चाहिए। पापोन शांत लड़का था, वो उन्हें इग्नोर कर रहा था। तभी एक लड़की कहती है, अबे तेरा नाम क्या है? नीचे बैठे हुए पापोन कहता है, जी मेरा नाम पापोन सरकार है। एक काफी हैंडसम लड़का कहता है, हाँ तो पापोन महोदय, हम सीनियरों को अभी को भी तो कुछ सुनाए, अभी तक तो हमारी सत्कार भी नहीं किया आपने, सीनियर हैं तो हमारे पाँव तो छुएंगे ही आप। पापोन अपमानित महसूस करता है। अरे पापोन महोदय, आप हमारे रानीगंज के तो नहीं लगते, कहाँ से आए? अंडाल से हैं हम सब, पापोन कहता है। तो अब हम सबका सत्कार भी करें, हमारे पैर छूकर आशीर्वाद ले लीजिए पापोन महाशय। सभी सीनियर ठहाके लगाने लगते हैं और पापोन को देखकर ऐसा लग रहा था कि सारे गीदड़ एक शेर को हलाल करने जा रहे हो। वह जैसे ही पैर छूने के लिए आगे आता है, तभी नीलिमा भीड़ को चीर कर आगे बढ़ती और कहती है, पापोन पैर नहीं छूना, इन हिजड़ों के सामने घुटने टेक रहे हो, छी छी छी, कैसे हो? अपने शहर का शेर इन गिद्धों के आगे आत्मसमर्पण कर रहा है? सभी नीलिमा को चुप रहने को कहते हैं। जूनियर लड़के लड़कियों का भी जमावाड़ा वहां हो जाता है। नीलिमा के आत्मविश्वास से भरे शब्दों को सुनकर सभी में जोश आ जाता है। ए लड़की चुप, हीरोइन गिरी ना दिखा, एक बोलता है नीलिमा को बोलता है। तभी एक चट्टाक सा थप्पड़ लगाती है उसके गाल पर और ये जबरदस्त लाफा पड़ने पर युवक और क्रोधित हो जाता है और कहता है, ए लड़की तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तभी नीलिमा कहती है, मुझे आपकी परिचय से कोई लगाव नहीं है, पर पापोन पैर नहीं छुएगा। पर मैं बताता हूँ मैडम, मैं साहिल शर्मा हूँ, रानीगंज के बड़े बिजनेसमैन का बेटा। काजल साहिल शर्मा को देखे ही जा रही थी। उसे
उसके व्यक्तित्व से वो बहुत अधिक प्रभावित हो गई थी। तभी नीलिमा कहती है, चलो पापन प्रिंसिपल के पास इन सब की हेकड़ी निकलवाती हूँ। तभी एक सीनियर कहता है, समय की नज़ाकत को देखकर कहता है, छोड़ साहिल, इन लोगों को कोई पचड़े में न पड़ो, और यहाँ से चलने का इशारा करता है। ठीक है क्षितिज, साहिल क्रोध से क्षितिज को दिखता है और क्षितिज पापुन के पास जाता है और कहता है, पापुन को भाई थोड़ी बहुत फन तो चलता ही है कॉलेज में, अन्यथा न ले। और क्षितिज एक नज़र नीलिमा को देखकर आगे बढ़ जाता है। इस कहानी की अगली अंक को सुनने के लिए मेरे साथ सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्ते, जय हिंद।